प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया। कहो ना दीदी, की समाचार? ठीक है भैया, कौन काम है से बताऊ ना। अच्छा दीदी, काम तो हमरा यही है, अहाँ से मिले आईली है कि हमरा SWI विधि से उपज आकलन होई छे, ओकरे जानकारी लेवे के। ठीक है भैया, उपज आकलन के बारे में हम जानकारी देंगे। अच्छा दीदी, तो उपज आकलन के बारे में तो हम जानकारी लेवे करम, उससे पहले थोड़ा अपन परिचय दे देती तो ठीक है। ठीक है भैया, हम देंगे। हमार नाम विमल देवी, विष्णु जी का सोम सहेता समूह रुपौली काटी घर भेला। अच्छा दीदी, परिचय तो बहुत बढ़िया अहाँ देलिए। अच्छा दीदी, उपज आकलन में कौन कौन सामग्री लगे छे, ओकरा बारे में थोड़ा जानकारी दे देती तो ठीक रहे। अच्छा भैया बैठू, हम सारा सामान ले आवत हूं। भैया ये चार गो डंटा के जरूरत होते। अच्छा अच्छा, चार गो डंटो के जरूरत। हाँ, ये दौरी के जरूरत होते। हाँ हाँ, दौरी के तो इसमें जरूरत। हाँ, फिर ये डगरा के जरूरत होते। हाँ दीदी। आ ये किलो के जरूरी होते। अच्छा, ये सोटा होले। हाँ हाँ, ये कापी होले। हाँ हाँ, ये हसुआ होले। इंची टेप भेले। हाँ, ये तराजू भेले। अच्छा अच्छा, इतना सारा सामान के रहना जरूरी है उपज आकलन के लिए। जी भैया, चलो भैया खेत में, अभी हम कटनी करब। चलो दीदी, चलो। SWI से भैया ये खेती हम गहूम के लगैले हती। अच्छा अच्छा, तो SWI विधि से रोपले हती गेहूं? जी भैया। भैया खेत में जब आ गेल हती तो काटे से पहले हम कला गिन के देखा दे हती। ठीक है दीदी, ठीक। 44 कल्ला एक जगह है दीदी। जी। एक से दो बीज टोभला से 44 कल्ला देला। जी भैया। अच्छा, बहुत अच्छा है SWI विधि से लगावला से। भैया हमने के सब जे दीदी हथिन समूह के। हाँ दीदी। सब SWI से खेती करै हथिन। अच्छा अच्छा, त यहाँ के समूह के सारा दीदी SWI विधि से गेहूं के खेती करै छथिन। अच्छा भैया, ये तो देखिए लेली। हाँ हाँ। लेकिन एक और हम समान विधि से खेती कैले हथिन। अच्छा, उमे चल के देख लू। ठीक है दीदी, चलू। भैया वो में तो देख ली है SWI वाला में। हाँ हाँ। जो 44 को कला रह लिया। हाँ दीदी। अब ये मैं गिन के देख लू जे। ओ, अब सामान्य विधि में गिन के देखिए कि कै गो कला है एक जगह। ठीक है दीदी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक जगह 9 गो कला है दीदी। 9 गो है। हाँ भैया, अब देख ली ना, वो में 44 गो रह लिया। हाँ हाँ। आई में 9 गो हो गई। हाँ। तो फर्क तो पूरा है कि बुझा गए? हाँ हाँ, सामान्य विधि में और SWI विधि में तो फर्क है से ही ये बुझा गए। वो में 44 गो, में एक जगह 9 गो है। हाँ। सामान्य विधि में। हाँ। और एक और बात है दीदी कि SWI विधि में और सामान्य विधि में बाल के भी फर्क है। SWI विधि से जो रोपल है वो में बाल है नमहर नमहर, आई में छोटा छोटा बाल है, देखा छी ना दीदी। जी, सामान्य विधि में बहुत छोटा भी बाल है। भैया ऐसे पहले हम अब SWI का पहले कटाई कर ले ले। हाँ हाँ। तो अब हम एकर कटाई करूँ। भैया एक एक मीटर 5 जगह से हमरा कटाई करे के है। अच्छा ठीक है दीदी। भैया हम डंटा के नाप ले छी इंची टेप से। अच्छा, कि अच्छा। काटे में सुविधा होते ही। ओहो, एक मीटर के डंटा नाप ले भैया। हाँ। ही डंटे से खेत नाप भाई। हाँ, ओ, ताकि सुविधा होते। सुविधा होते काटे में। ठीक। भैया डनेर से 1 मीटर मतलब अंदर जाके तब नापाई, तब हम नाप के कटाई कर भाई। ठीक। भैया पकड़ू। ठीक।
भैया नाप नाप के ऊँटा मतलब चिन्ह पर गाड़ू। ठीक तो दीदी अब तो नपा गेलक जी भैया, एक वर्ग मीटर के ही नपा गेलक, एकरा अब काट ले। भैया अब तो चारों कोना के हो गेलक काटल। हाँ दीदी, अब हम बीच के काटे बारी। हाँ। सबके काट के बांध के ले जाए तो वहाँ झाड़ के। ठीक है दीदी, ठीक है। तो ये पाँचवा जगह के है बीच के। हाँ ठीक है दीदी, काटो। अब काटे जाए। ठीक है दीदी, भैया वो जे गहम काट काट ले लिए SWI वाला। हाँ हाँ, SWI विधि वाला गेहूँ काट ले लिए। हाँ हाँ, अभी सामान विधि से जब विधि से जब हम खेती कैले हथिये। हाँ हाँ, वो अब गहूँ हम काटे जाए छी। मतलब जोन ढंग से वही में कट लिए नाप नाप के वही ढंग से अहू में। हाँ, यहू में नाप नाप के काट भाई। ओ, तब दोनों में उपज आकलन करबे तब फर्क बुझत। हाँ फर्क बुझत। अच्छा समझ गए दीदी। ठीक, अब तो पाँचवा जगह कटा गेल। हाँ हाँ, अब चलो। ठीक है दीदी, भैया अब तो हम पाँच जगह से काट के लिए ली। हाँ हाँ दीदी, पाँचों नमूना के भैया। हाँ हाँ, अलग अलग झाड़ भाई हम तैयार करबे। अच्छा, पाँचों नमूना के अलग अलग तैयार करे के। हाँ, ताकि उपज आकलन करे में सुविधा सुविधा होते भैया। अब हम एकरा के तैयार कर ले छी। अब ठीक है दीदी, लगले तैयार कइए ले। भैया दूसरा नमूना तो हम तैयार कर ले ली। हाँ दीदी, अब चौथा पंचमा जो बचल बा सब ओकरा हम तैयार कर दे ली। ओ, अब दू गो नमूना तैयार हो गई, अब तीसरा चौथा पंचमा जो बचल है अब ओकरा तैयार कर। हाँ भैया तैयार। ठीक, भैया SWI वाला हम तैयार कर ले ली। जी हाँ दीदी, समान विधि वाला गहूँ अब तैयार करे के। अच्छा अच्छा, SWI विधि से जो कटना भेल रही है गेहूँ। हाँ, उ भेल। हाँ, अब सामान्य विधि वाला आप तैयार कर। हाँ अब तैयार कर भाई। ठीक है दीदी, समान विधि वाला भैया वो तैयार कर ले भाई, तब ना फर्क बुझत है सब में। हाँ हाँ दीदी, दोनों एक बार ही वजन करबे तब जाके दोनों में फर्क बुझत, दोनों में फर्क बुझत है। ठीक है दीदी। अच्छा दीदी, तो अब सामान्य विधि वाला नमूना शुरू कर रहा जी झारे के। हाँ भैया, अच्छा दीदी, तो सामान्य विधि वाला पाँचों नमूना तैयार हो गए। देखो भैया हम पाँचों नमूना तैयार कर ले ली। अच्छा दीदी, एक दो तीन चार पाँच। हाँ दीदी, पाँचों ही सामान्य विधि वाला। सामान्य विधि वाला भैया। ठीक भैया, हम सब तैयार कर ले ली। हाँ, अब तो दोनों तैयार हो गए, सामान्य विधि वाला आ SWI विधि वाला। हाँ अब तैयार हो गए, अब रोरा के हम तौल के बतावे। ओ, अब वजन का के हमरा। हाँ, दोनों में फर्क बताए। हाँ फर्क बताए। ठीक है दीदी। भैया हमें SWI वाला पहले हम तौले हती, रुआ लिख ले जाए। ठीक है दीदी, देखो भैया लिखो। अब
700 ग्राम 700 ग्राम SWI वाला। हाँ SWI वाला। SWI पहला नमूना 700 ग्राम। तौलो दीदी दूसरा नमूना। दूसरा नमूना 650। 650। दूसरा नमूना 650 ग्राम। तीसरा नमूना भी 650 ग्राम। हाँ भैया। चौथा नमूना। हाँ चौथा नमूना 600 ग्राम। पांचवा नमूना भैया 550। अच्छा दीदी तो हम एकरा जोड़ दूँ ना। हाँ जोड़ दूँ। आ वजन निकाल दूँ। हाँ वजन निकाल दूँ। कट्ठा पर कितना एवरेज निकल ला। हाँ दीदी पांचों नमूना जे भेल SWI के 3150 ग्राम भेल। ठीक है ठीक है। तब एक हम कट्ठा पर एवरेज निकाल दे। ठीक है भैया निकाल दे। अच्छा दीदी टोटल 3150 ग्राम पांचों नमूना के वजन भेल। हाँ ठीक है। हाँ। अब एकरा हम औसत निकाले छी। ठीक ना। ठीक है। एमे हम 5 से भाग करबै एकर औसत निकल जे। हाँ सुनो दीदी औसत नमूना 630 ग्राम भेल। ठीक ना। हाँ। एक वर्ग मीटर में 630 ग्राम औसत वजन भेल। ठीक है भैया। हमरा एकरा कट्ठा में जोड़ के तो हमरा बता दियो। दीदी मुजफ्फरपुर जिला के अंदर 181 वर्ग मीटर के एक कट्ठा होई छे। एक कट्ठा होई छे। हाँ तो 630 ग्राम में हम 181 से गुना करबाई एक कट्ठा के निकल जते एवरेज। ठीक है ना। ठीक है। एक कट्ठा में एक कुंटल 14 किलो 30 ग्राम एवरेज आयला हा के SWI विधि से। देखो दीदी तो 1000 ग्राम बराबर 1 किलो। एकरा अब हम 1000 से भाग देबे तो किलो में आ जतई। जैसे एक कुंटल 14 किलो 30 ग्राम। ठीक है। ठीक ना। ठीक है। ये भैया तो कट्ठा के हो गए। हाँ हाँ। अब एकड़ में ये बात अहाँ जानते हती कि पूरे मुजफ्फरपुर जिला में 22 कट्ठा के एक एकड़ हुई जी भैया। तो एक कट्ठा के जे भी हिसाब निकल है उसमें 22 से गुना कर देबे एक एकड़ के एवरेज निकल जते। ठीक है भैया गुना करके बताओ। हम जरूर जरूर दीदी हम एकड़ में गुना करके हम बता दे हती। 22 से गुना कैला पर दीदी 2508 भेलक। ठीक। एक एकड़ में। ठीक। समझ गेली ना दीदी 25 क्विंटल 8 किलो भेल एक एकड़ में। एक एकड़ में। हाँ। ठीक बा। अब भैया समान विधि वाला वजन करे के बचले। हाँ दीदी। वो हो कॉल आई होती है। हाँ हाँ एकदम कहिए। उ तो दोनों के वजन कैला के बाद है ना फर्क दोनों में बुझता है। अभी तक खाली SWI विधि वाला वजन। हाँ भैया। ठीक भैया अब हम समान विधि वाला अब जो खाई होता। अच्छा अच्छा समान विधि वाला शुरू कर दिली। हाँ ठीक। चार सौ ग्राम। एकरो लिखू। हाँ एकरो लिखू। पहला नमूना 400 भेला दीदी। हाँ 400। 400 पहला नमूना 400 भेल। दूसरा 350। 350। दूसरा 350 ग्राम। तीसरा 300। तीसरा 300।
चौथा 300। चौथा भी 300। पाँचवा 250। हाँ। टोटल 1600 ग्राम भेल। पाँचो नमूना 1600 ग्राम भेल दी। अब पाँचों के हम औसत निकाल रहे हैं। हाँ ठीक है भैया। औसत नमूना 320 ग्राम आयल दीदी। ठीक है भैया। अच्छा भैया एक वर्ग मीटर में भैया 320 ग्राम भेल भैया। हाँ दीदी। हाँ दीदी। भैया आप कट्ठा में जोड़ के हमरा बताओ। अच्छा दीदी तो एकरा लेल कोई बड़ी बात ना है, 320 में हम 181 से गुना कर देबे निकल जाते। ठीक है भैया। दीदी 57,920 ग्राम एक कट्ठा में आए। अब इसमें हम 1000 से भाग देबे किलो में निकल जाते, तभी भे गेल दीदी 57,920 ग्राम एक कट्ठा में कर उपज आकलन निकल गए। भैया अब एक एकड़ में कितना भेल से जोड़ के बताओ। बता दे थी। अब जे है ना 57 किलो 920 ग्राम में 22 से गुना कर देबे एक एकड़ में निकल जाते। एक एकड़ में 12 क्विंटल 74 किलो 240 ग्राम भेल। ठीक है भैया। बहुत के फर्क हो गया भैया। हाँ दीदी फर्क तो बहुत के हो गया। एस डब्ल्यू आई विधि में एक एकड़ में 25 क्विंटल 8 किलो भेल है, जबकि सामान्य विधि में 12 क्विंटल 74 किलो 240 ग्राम भेल है। अच्छा दीदी तो सामान्य विधि में और एस डब्ल्यू आई में 12 क्विंटल 34 किलो के फर्क हो गए। भैया बहुत के फर्क हो गए। हाँ दीदी बहुत के फर्क तो हइए है। अब इसमें है किसान दीदी भैया के एस डब्ल्यू आई विधि से ही गेहूँ के खेती करे में फायदा है। यही फायदा के लेल हमने एस डब्ल्यू आई से हमने खेती करी गेहूँ के। गेहूँ के। हाँ दीदी फायदा है तो एस डब्ल्यू आई विधि से ही करूँ खेती। अच्छा दीदी एस डब्ल्यू आई विधि और सामान्य विधि के उपज आकलन के बारे में इतने जानकारी दिली और हमारा साथ समय दिली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।